कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकंड पार्ट भूगोल। भारत में ग्रीष्मकाल की वर्षा। भारत में अधिक वर्षा जो है ग्रीष्मकाल में होती है, मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में ही मानसून की उत्पत्ति होती है, इसलिए भारत में ग्रीष्मकाल में ही ज्यादा वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? ग्रीष्मकाल में जब तापमान ज्यादा होता है तो भारत का धरातलीय क्षेत्र गर्म होता है और सागर की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि आखिर तापमान समान रहता है दोनों जलीय भाग पर और स्थलीय भाग पर, दोनों पर समान तापमान पड़ता है? ये नहीं कि असल पर ज्यादा पड़ता है, जल पर कम पड़ता है, दोनों पर समान पड़ता है, लेकिन स्थल भाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जल की अपेक्षा स्थल बहुत जल्द गर्म होता है और जल्द ठंडा भी होता है। जल जो है देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, इसका कारण क्या है? स्थल जो है ठोस है और जल जो है द्रव है, तो जब द्रव पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये जल पर, तो द्रव होने के नाते वह बहुत अंदर तक प्रवेश करती है और उसको विशाल जलराशि गर्म करना पड़ता है। अब वह जल धीरे धीरे गर्म होता है तो विशाल जलराशि जब गर्म करना है तो उसमें ज्यादा समय लगता है। स्थल जो है ठोस भाग है, इस पर वही तापमान इस पर भी पड़ता है, लेकिन ये ठोस है तो इसको केवल ऊपर की पपड़ी ही गर्म करनी पड़ती है तो जल्दी गर्म हो जाता है। और ठंडा होने में भी वही बात है, जब जब गर्म हो जाता है तो उससे वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे भाप निकलती है उनकी, या गर्मी धीरे धीरे निकलती है तो उसको निकलने में बहुत समय लगती है, तब तक स्थल का तापमान जो है निकल जाता है, स्थल ठंडा हो जाता है। तो स्थल जो है जल की अपेक्षा जल्द गर्म होता है और जल्द ठंडा होता है। तो ग्रीष्मकाल में जब तापमान ज्यादा बढ़ता है तो स्थल जल्द गर्म हो गया। जब स्थल जल्द गर्म हो गया तो इसका मतलब यहां निम्न वायु दाब हो जाएगा, हवा भी यहां भी गर्म होगी और कोई वस्तु जब गर्म होती है तो हल्की होती है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठती है तो इसमें भार कम होता है, तो उस स्थान को लेने के लिए उच्च वायु दाब जहां रहता है उधर से हवाएं चल देती है। तो अभी बताए कि जब जल्द ही गर्म हो जाता है तो निम्न वायु दाब स्थल पर हो जाता है और उसकी अपेक्षा जल में जो है सागर की तरफ उच्च वायु दाब होता है। तो निम्न वायु दाब होने के कारण वो उच्च वायु दाब यानी सागर की ओर से हवाएं जो है चल देती है स्थल की ओर। तो ये हवाएं जब स्थल की ओर चलती है तो भारत के दक्षिण से हिंद महासागर से चलती है, तो भारत का दक्षिणी भाग त्रिज्याकार प्रायद्वीप भी है, उस प्रायद्वीप में आकर के दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो शाखा में होकर के हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। एक जो है अरब सागर का मानसून पश्चिम से, हिंदुस्तान के पश्चिम तरफ अरब सागर, तो एक जो है अरब सागर का मानसून कहलाता है और दूसरा जो है पूरब से प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये दोनों मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है। ये अरब सागर से जो मानसूनी हवा प्रवेश करती है या पूर्वी घाट पहाड़ियों से टकरा करके वर्षा करती है, गुजरात में पूरे में इस तरह से वर्षा करती हुई अरावली और सब पूरा पहाड़ की घाटियों में वर्षा करती है। इसके बाद यह उत्तर की तरफ निकलती है, इनके पश्चिम तरफ राजस्थान है, राजस्थान में यह वर्षा नहीं कर पाती, करती भी है तो कम करती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत जो है इनके मार्ग में पड़ता है, लेकिन उसकी मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली पर्वत है, जिधर मानसूनी हवा जाती है उसके समानांतर अरावली पर्वत है, उसको रोक नहीं पाता, उसके समानांतर होती हुई हवाएं जो है आगे निकल जाती हैं, राजस्थान की तरफ नहीं जा पाती, इसलिए राजस्थान सूखा मरुस्थल रह गया। होती भी करता है तो बहुत नाम मान सकती। इसके बाद दूसरी हवा जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है सबसे पहले जाकर के
मेघालय, मेघालय में पहुंचता है मानसूरी हवा पहुंचती है और वो जाकर के गारो खासी जयंतिया, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा जो है पश्चिम की तरफ बढ़ती है, जो उत्तर के मैदानी भाग से होती हुई राजस्थान की तरफ बढ़ती है, तो वह इतनी वर्षा करती है कि वर्षा करते करते पश्चिम में राजस्थान में जाते जाते वह शुष्क हो जाती है, उसमें नमी की मात्रा कम रह जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी राजस्थान में वर्षा नाम आती है। अरब सागर के मानसून तो अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं हुई, और जो बंगाल की खाड़ी का मानसून गया, इसलिए जो इतना वर्षा करते हुए पूरब से पश्चिम को बढ़ा गया, पश्चिम छोर पर राजस्थान, वहां जाते जाते हवाएं जो बिल्कुल शुष्क हो जाती है, उसमें नमी कम रह जाती है, इससे कम वर्षा होती है, इसलिए राजस्थान जो है वृक्ष छाया प्रदेश रह गया, वर्षा नहीं हो पाई। और वही बंगाल की खाड़ी का मानसून जब मेघालय से टकराया तो एक शाखा पश्चिम की तरफ बढ़ी और दूसरी शाखा जो है ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ बढ़ी उत्तर पूर्वी भाग में, जो गारो खासी जयंतिया मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी से टकरा टकरा करके चेरापुंजी नामक स्थान को सबसे ज्यादा वर्षा करती है, तो वहां उससे ज्यादा वर्षा हो गई। अब ये प्रश्न पूछता है कि राजस्थान सूखा स्थल क्यों है या राजस्थान वृक्ष छाया प्रदेश क्यों है, तो अभी हमने बताया वृक्ष छाया प्रदेश उसे कहते हैं कि जहां वर्षा नहीं होती, पर्वत का वह विपरीत ढाल जहां पर वर्षा नहीं होती है। बारसूनी हवाएं जब पर्वत से टकराती है तो सामने वाले ढाल पर वर्षा करती है, लेकिन उसका पिछड़ा हिस्सा जो है वर्षा नहीं होती है, उसी क्षेत्र को वृक्ष छाया प्रदेश कहते हैं। तो राजस्थान वृक्ष छाया प्रदेश रह गया, क्योंकि अरब सागर का मानसून गया तो उसके मार्ग में अरावली पर्वत पड़ा जरूर, लेकिन समानांतर जो राजस्थान के तरफ जाने ही नहीं दिया मानसून, तो अरब सागर के मानसून से तो वर्षा हो ही नहीं पाई। बंगाल की खाड़ी का मानसून गया तो यह पूर्वी क्षेत्र से वर्षा शुरू हुई और वर्षा करते करते उत्तर मैदानी भाग से होते हुए जब भारत के बिल्कुल पश्चिमी भाग राजस्थान तक पहुंचती है, तब तक वह हवाएं शुष्क हो जाती हैं और उससे भी नाम नाप की वर्षा होती है, इसलिए राजस्थान जो है वृक्ष छाया प्रदेश रह गया। धन्यवाद। शेष अगले दिन।